नमस्कार साथियों, स्किल और एजुकेशन ये अमृत काल में देश के दो सबसे महत्वपूर्ण टूल्स हैं। विकसित भारत के विजन को लेकर देश की अमृत यात्रा का नेतृत्व हमारे युवा ही कर रहे हैं, इसलिए अमृत काल के इस प्रथम बजट में युवाओं को और उनके भविष्य को सबसे ज्यादा अहमियत दी गई है। हमारा एजुकेशन सिस्टम प्रैक्टिकल हो, इंडस्ट्री ओरिएंटेड हो, ये बजट इसकी नींव मजबूत कर रहा। वर्षों से हमारा एजुकेशन सेक्टर रिजिडिटी का शिकार रहा। हमने इसको बदलने का प्रयास किया है। हमने एजुकेशन और स्किलिंग को युवाओं के एप्टीट्यूड और आने वाले समय की डिमांड के हिसाब से रीओरिएंट किया। राष्ट्रीय शिक्षा नीति में भी लर्निंग और स्किलिंग दोनों पर समान जोर दिया गया है। मुझे खुशी है कि इस प्रयास में हमें टीचर्स का बहुत सपोर्ट मिला। इससे हमें अपने बच्चों को अतीत के बोझ से मुक्त करने का बहुत हौसला मिला है। इसने सरकार को एजुकेशन और स्किलिंग सेक्टर में और रिफॉर्म करने के लिए प्रोत्साहित किया है। साथियों, नई टेक्नोलॉजी नई तरह के क्लासरूम के निर्माण में भी मदद कर रही है। कोविड के दौरान ये हमने अनुभव भी किया है, इसलिए आज सरकार ऐसे टूल्स पर फोकस कर रही है जिससे एनीवेयर एक्सेस ऑफ नॉलेज सुनिश्चित हो सके। आज हमारे ई लर्निंग प्लेटफॉर्म स्वयं में 3 करोड़ मेंबर हैं। वर्चुअल लैब्स और नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी में भी नॉलेज का बहुत बड़ा माध्यम बनने की संभावना है। डीटीएच चैनल्स के माध्यम से स्टूडेंट्स को भी स्थानीय भाषाओं में पढ़ाई का अवसर मिल रहा है। आज देश में ऐसे अनेक डिजिटल और टेक्नोलॉजी आधारित इनिशिएटिव चल रहे हैं। इन सारे इनिशिएटिव्स को नेशनल डिजिटल यूनिवर्सिटी से और बल मिलेगा। ऐसे फ्यूचरिस्टिक कदम हमारी शिक्षा, हमारी स्किल और हमारे ज्ञान विज्ञान के पूरे स्पेस को बदलने वाले हैं। अब हमारे टीचर्स की भूमिका सिर्फ क्लासरूम तक सीमित नहीं रहेगी। अब हमारे टीचर्स के लिए पूरा देश, पूरी दुनिया ही एक क्लासरूम की भांति होगा। ये टीचर्स के लिए अवसरों के नए द्वार खोलने वाला है। हमारे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस के लिए भी अब देश भर से टीचिंग मटेरियल की अनेक प्रकार की विविधताएं, अनेक प्रकार की विशेषताएं, स्थानीय टच, ऐसी अनेक बातें उपलब्ध होने वाली हैं। और सबसे बड़ी बात, इससे गांव और शहर से स्कूलों के बीच जो खाई होती थी वो दूर होगी। सबको बराबरी के अवसर मिलेंगे। साथियों, हमने देखा है कई देश
ऑन द जॉब लर्निंग पर विशेष बल देते हैं। बीते वर्षों में केंद्र सरकार ने अपने युवाओं को आउटसाइड द क्लासरूम एक्सपोजर देने के लिए इंटर्नशिप और अप्रेंटिसशिप को फोकस किया है। आज नेशनल इंटर्नशिप पोर्टल पर लगभग 75,000 एम्प्लॉयर्स हैं। ये इंटर्नशिप की लगभग 25 लाख रिक्वायरमेंट पोस्ट कर चुके हैं। इससे हमारे युवाओं और इंडस्ट्री दोनों को बहुत लाभ हो रहा है। मैं इंडस्ट्री और शिक्षा से जुड़े संस्थानों से आग्रह करूंगा कि इस पोर्टल का अधिक से अधिक उपयोग करें। देश में इंटर्नशिप के कल्चर का हमें और विस्तार करना है। साथियों, मेरा ये मानना है अप्रेंटिसशिप हमारे युवाओं को फ्यूचर रेडी बनाने में मदद करती है। हम भारत में अप्रेंटिसशिप को भी बढ़ावा दे रहे हैं। इसमें हमारी इंडस्ट्री को भी उचित स्किल से जुड़ी वर्कफोर्स की पहचान करने में भी आसानी होगी। इसलिए इस बजट में करीब 50 लाख युवाओं के लिए नेशनल अप्रेंटिसशिप प्रमोशन स्कीम के तहत स्टाइपेंड का प्रावधान किया गया है। यानी हम अप्रेंटिसशिप के लिए वातावरण भी बना रहे हैं और पेमेंट्स भी इंडस्ट्री को मदद दे रहे हैं। मुझे विश्वास है कि इंडस्ट्री इसका भरपूर लाभ उठाएगी। साथियों, आज भारत को दुनिया मैन्युफैक्चरिंग हब के रूप में देख रही है। इसलिए आज भारत में निवेश को लेकर दुनिया में उत्साह है। ऐसे में स्किल्ड वर्कफोर्स आज बहुत काम आती है। इसलिए इस बजट में स्किलिंग पर बीते वर्षों के फोकस को हमने आगे बढ़ाया है। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना 4.0 आने वाले वर्षों में लाखों युवाओं को स्किल, रीस्किल और अपस्किल करेगी। इस योजना से आदिवासियों, दिव्यांगों और महिलाओं की जरूरत के अनुसार टेलर मेड प्रोग्राम्स बनाए जा रहे हैं। साथ ही इसमें इंडस्ट्री 4.0 जैसे एआई, रोबोटिक्स, आईओटी, ड्रोन्स ऐसे अनेक सेक्टर्स के लिए भी मैन पावर का निर्माण किया जा रहा है। इससे इंटरनेशनल इन्वेस्टर्स के लिए भारत में काम करना और आसान होगा। भारत में इन्वेस्टर्स को रीस्किलिंग पर ज्यादा ऊर्जा और संसाधन नहीं खर्च करने पड़ेंगे। इस बजट में पीएम विश्वकर्मा कौशल सम्मान योजना का भी ऐलान किया गया है। इससे हमारे पारंपरिक कारीगरों, हस्तशिल्पियों, कलाकारों के स्किल डेवलपमेंट पर जोर दिया जा रहा है। पीएम विश्वकर्मा योजना इन कारीगरों को नया मार्केट भी दिलाने में मदद करेगी और इससे अनेक उत्पादों के बेहतर दाम भी मिलेंगे। साथियों, भारत में एजुकेशन सेक्टर में तेजी से बदलाव लाने के लिए एकेडेमिया और इंडस्ट्री की भूमिका और पार्टनरशिप बहुत बड़ी है। इससे मार्केट की जरूरत के हिसाब से रिसर्च संभव हो पाएगी और रिसर्च के लिए इंडस्ट्री से पर्याप्त फंडिंग भी मिलेगी। इस बजट में एआई के लिए जिन
तीन सेंटर्स ऑफ एक्सेलेंस की बात की गई है, उनमें इंडस्ट्री एकेडेमिया पार्टनरशिप मजबूत होगी। ये भी तय किया गया है कि आईसीएमआर लैब्स को मेडिकल कॉलेज और प्राइवेट सेक्टर आरएनडी टीम्स के लिए उपलब्ध किया जाए। मुझे पूरा भरोसा है कि देश में आरएनडी इकोसिस्टम को मजबूत करने के लिए उठाए गए ऐसे हर कदम प्राइवेट सेक्टर ज्यादा से ज्यादा फायदा उठाएगा। साथियों, बजट में जो निर्णय लिए गए हैं उनसे हमारी होल ऑफ गवर्नमेंट अप्रोच भी स्पष्ट होती है। हमारे लिए एजुकेशन और स्किलिंग सिर्फ इनसे जुड़े मंत्रालय या विभाग तक सीमित नहीं है, हर सेक्टर में इनके लिए संभावनाएं हैं। ये सेक्टर हमारी इकोनॉमी के बढ़ते साइज के साथ बढ़ते जा रहे हैं। मेरा स्किलिंग और एजुकेशन से जुड़े स्टेक होल्डर से आग्रह है कि अलग अलग सेक्टर्स में आ रही इन अपॉर्चुनिटीज को स्टडी करें। इससे हमें इन नए सेक्टर्स के लिए जरूरी वर्कफोर्स तैयार करने में आसानी होगी। अब जैसे आप भारत के तेजी से बढ़ते सिविल एविएशन सेक्टर से जुड़ी खबरों को देख सुन रहे हैं, ये दिखाता है कि भारत की ट्रेवल और टूरिज्म इंडस्ट्री का कितना विस्तार हो रहा है। ये रोजगार के बहुत बड़े माध्यम है। इसलिए हमारे स्किलिंग सेंटर्स और एजुकेशन इंस्टीट्यूशन को इसके लिए भी कैपेसिटी तैयार करनी होगी। मैं चाहूंगा जो युवा स्किल इंडिया मिशन के तहत प्रशिक्षित हुए हैं, हम उनका भी अपडेटेड डेटाबेस तैयार करें, क्योंकि कई ऐसे युवा होंगे जिनके स्किल्स को अपग्रेड करने की जरूरत होगी। डिजिटल टेक्नोलॉजी और एआई के आने के बाद हमारा ये प्रशिक्षित वर्कफोर्स पीछे न छूट जाए, हमें इसके लिए अभी से काम करना होगा। साथियों, मुझे पूरा विश्वास है कि यहाँ फ्रूटफुल डिस्कशंस होंगे, बेहतर सुझाव आएंगे, बेहतर समाधान निकलेंगे और एक नए संकल्प के साथ, नई ऊर्जा के साथ हमारी युवा पीढ़ी के उज्जवल भविष्य के लिए इन महत्वपूर्ण क्षेत्र को आपके विचारों से समृद्ध कीजिए, आपके संकल्प से आगे बढ़ाइए। सरकार कंधे से कंधा मिलाकर के आपके साथ चलने के लिए तैयार है। मेरी आप सबको इस वेबिनार की सफलता के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। धन्यवाद।